नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। उपचुनाव के बारे में आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में जानेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा और ये जानकारी शायद बहुत कम लोगों के पास भी होगी। तो चलिए आज के वीडियो एक व्यूअर के कॉमेंट पे, उपचुनाव क्या होता है। अक्सर चुनाव के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन उपचुनाव क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आज के इस कंप्लीट वीडियो में आसानी से समझेंगे। दोस्तों सिंपल है समझना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय इलेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं, और समझना काफी सिंपल है। आप जरा सोचिए कि उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्य या उपराष्ट्रपति क्यों चुने जाते हैं। कहीं ना कहीं उन मेन जो मुख्य पद होते हैं, मुख्य पद पे कोई प्रकार की दिक्कत आए या फिर किसी तरह की बाधा हो तो तत्कालीन कार्यभार उप को मिलता है। यानी कि यू भाषा में कहे, यदि उप मुखिया की बात करें, मुखिया के पास कोई दिक्कत आने पे तत्कालीन कार्य उप मुखिया करते। सेम आप कंपेयर करें उप चुनाव, यानी कि मुख्य चुनाव नहीं होने की स्थिति में किसी वजह से उपचुनाव कराना पड़ता है या फिर और भी कई सारे वजह से उपचुनाव कराना पड़ता है। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पे इन उपचुनाव कब हुए थे उसकी एक थोड़ी सी झलक देखते हैं। तो पहली बार बिहार में एक ही साल में दो बार चुनाव हुए थे, यानी एक मुख्य चुनाव हुआ था फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ था। तो चलिए इस पे भी एक नजर डाल देते हैं। 2003 में जेडीयू का गठन हुआ है, शरद यादव की लोक शक्ति पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार की समता पार्टी, ये तीनों ने मिलकर जेडीयू का गठन 2003 में कर लिया। 2005 की जो चुनाव राबड़ी देवी की नेतृत्व में आरजेडी राजद ने लड़ा हुआ था और उसके विपक्ष में इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़े थे, उनमें कुछ सीटें इस प्रकार से आई थी। तो उस चुनाव में 215 सीट पे आरजेडी ने चुनाव लड़ा था जिसमें से मात्र 75 सीट जीता हुआ था। जेडीयू 138 सीट पे चुनाव लड़ा था जिसमें से 55 सीट जीता हुआ था, और भाजपा 103 सीट पे चुनाव लड़ता है, 37 सीट जीता हुआ था। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 84 में से मात्र 10 सीट जीता हुआ था। किसी के पास 122 सीटों की पूर्ण बहुमत बना के सरकार नहीं बन सकी, जिस वजह से कुछ महीनों तक राष्ट्रपति शासन लगा, बहुमत नहीं होने की वजह से सरकार नहीं बनी, और पुनः दो तीन महीने बाद पुनः एक बार चुनाव हुआ, वो चुनाव उपचुनाव कहलाया। और फिर जेडीयू 139 सीटों पे लड़के 88 सीट, उस समय जेडीयू एक सबसे अधिक सीट जीत के सामने आई हुई थी। भाजपा 102 में से 55 सीट जीता हुआ था, और वही आरजेडी 175 में से 54, लोजपा 203 में से 10, और कांग्रेस 51 में से 9 मात्र सीट, और भाजपा जेडीयू मिल के पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। कब? उपचुनाव में। तो दोस्तों यही होता है उपचुनाव, जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो सके। यानी कि जैसे अब पंचायत चुनाव की बात कर ले तो 2016 की जो चुनाव हुई थी उसमें वार्ड सदस्य के प्रति किसी की रुचि नहीं होने की वजह से कई एक जगह उपचुनाव करा करा के वार्ड सदस्य बनाए गए थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। या फिर कोई प्रतिनिधि जीता हुआ मर जाता है कोई कारण से, अज्ञात या फिर घोषित होता है उस पद के लिए, उसको हटाया जाता है, तो फिर उस सीट के लिए उपचुनाव कराने ही पड़ते हैं। यानी कि एक समय सीमा के अंदर किसी कारणवश सीट खाली हो जाने की वजह से पुनः चुनाव कराने को ही उपचुनाव बोलते हैं, इस भाषा में आप समझ गए होंगे। यानी कि शुरुआती दौर में ये कह सकते हैं कि उपचुनाव मुख्य चुनाव नहीं होने की स्थिति में कराया गया या कराया जाता है, उसके बाद स्थिति देखते गया तो ज़्यादातर ओलंपिक के सीट पे नहीं रहने से मर जाने के वजह से अब ज्यादा चुनाव पंचायत में आप देखते हैं उपचुनाव होता है ऐसे में, या फिर उस अवलंबी के जो जीते हुए पद के प्रत्याशी उनके अज्ञात भी घोषित हो जाने पे उस पद से हटाने की स्थिति में पुनः उपचुनाव कराया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके कमेंट के अनुसार उपचुनाव के बारे में आपको एक बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको किसी प्रकार की जानकारी यदि चाहिए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस कमेंट को हमेशा रीड करते हैं। तो दोस्तों और भी कई एक तरह की जानकारी जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है आपको विस्तृत में आसानी से जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट ग्राम पंचायत के नाम से बना हुआ है, वहां पे जाके आप सारी वीडियो के इत्मीनान से देख के बहुत सारी जानकारी जो कि यदि आप ग्राम पंचायत के रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक लगातार की सीरीज ग्राम पंचायत रिलेटेड चली आ रही है आपके इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेंगे आज के खास इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, फिर मिलेंगे एक नई खास इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।